थैंक यू सो मच। आई एम वेरी एक्साइटेड आई मस्ट से। और कोई भी ब्यूटी जो क्राउन जो हासिल होते हैं, लोग जो अचीव करते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, क्योंकि द मोमेंट यू गेट अ टाइटल विद योर नेम आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। आई स्टिल रिमेंबर द मोमेंट व्हेन आई वॉन मिस एशिया बिकिनी 2012, थिंग्स हैज बीन चेंज्ड फॉर मी कम्प्लीटली। आपकी लाइफ का स्ट्रगल काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। मुझे 2nd December 2021 को कॉल आया फ्रॉम बालाजी टीम कि मैम हम आपके साथ एक शो करना चाहते हैं लॉकअप, दैट वुड बी वेरी मच लाइक बिग बॉस। मैंने कहा नो यार, नो बिग बॉस प्लीज़ नहीं, मैं ऑलरेडी जेल में रह चुकी हूँ एंड अभी मेरी कोई हिम्मत नहीं है। बोले मैम लेट्स टॉक अबाउट इट, अच्छा लगा तो कर लेना, नहीं लगा तो नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो 5th December को मेरी फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी एंडेमॉल शाइन इंडिया के ऑफिस, विच इज़ इन बैंड्रा ईस्ट, जहाँ पर मैं क्रिएटिव हेड एंडेमॉल शाइन इंडिया और बालाजी की दोनों की टीमों से मिली। दे ब्रीफ्ड मी एवरीथिंग अबाउट दिस शो एंड देन उसके बाद हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। वीकली जो पे आउट था वो 1.5 लाख रुपीज़ था। थिंग्स गो प्रिटी वेल, बट मैंने उसके बीच में से कहा कि यार जब शो अपना 27th February से स्टार्ट हो रहा है, टिल देन लेट मी डू समथिंग। कुछ नहीं करने दिया एंड उसके बाद दे टोल्ड मी कि मैम वेट फॉर सम टाइम, वेट फॉर सम टाइम, विल टेक यू इन वाइल्ड कार्ड, विल टेक यू इन वाइल्ड कार्ड। ऐसे करते करते 21st March को इन्होंने मुझे टर्मिनेशन के लिए फ़ोन किया एंड देन सब कुछ गलत किया मेरे साथ। अभी फ़िलहाल नहीं पता क्योंकि मैं मई तक अपने आप को मैंने ब्लॉक किया हुआ था बालाजी के शो के लिए, तो मई तक तो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। मुनव्वा ही इज़ डूइंग टू गुड। मैं यही कहना चाहूँगी, सी यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। अगर आप नहीं लेंगे तो आपके लिए कोई नहीं लेगा। थैंक यू।